नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में सीएम योगी ने कहा, हम सभी देशवासियों को संस्कारित होना पड़ेगा। शनिवार को दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस के पीछे सम्मेलन में पहुंचे यूपी के सीएम योगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्यवीर महासम्मेलन में आए आर्यवीरों का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे मुरादाबाद पहुंच गए थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने में आर्य समाज के लोगों और महापुरुषों का अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि शुद्धि का यज्ञ करने वाले स्वामी श्रद्धानंद की जब विधर्मियों ने हत्या कर दी थी, तब नारायण स्वामी ने आर्य समाज को बचाने के लिए आर्यवीर दल का गठन किया था। आज भी हम सब व्यक्ति पूजा पर अधिक विश्वास करते हैं, स्वामी दयानंद के आदर्शों पर नहीं, यह स्वामी दयानंद के आदर्श के विपरीत है। कहा कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने और अयोध्या में प्रभु श्री राम का विशाल मंदिर बनाने का कार्य कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों महापुरुषों के सपने को साकार किया है। लोगों के जीवन बचाने के साथ साथ कहा कि शिक्षा भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। सरकार के प्रयासों से अब चिकित्सा और इंजीनियरिंग सहित अन्य विद्या की पढ़ाई हिंदी संस्कृत भाषाओं में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भारत की विरासत को रक्षित करने का संकल्प लिया था और उसे पूरा कर रहे हैं। उन्होंने स्वामी रामदेव की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वामी जी ने योग, देसी सामग्रियों, आयुर्वेद को बढ़ावा देकर पूरे विश्व में स्वदेशी का डंका बजाया है। 10,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती हो रही है। अगले वर्षों में 1,00,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती होगी। इससे गौ माता का सम्मान बढ़ेगा। आयुष पद्धति को सरकार ने आगे बढ़ाया है। नया भारत विश्व को नई दिशा दे रहा है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को संस्कारित होना पड़ेगा। हम सबको विरासत और परंपरा को सहेज कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आर्यवीर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आने वाला समय भारत का है, भारत विश्व को नेतृत्व देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर देश को विश्व गुरु बनाएगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने बॉलीवुड पर तीखा हमला बोला। बाबा बोले, शाहरुख का बेटा ड्रग्स लेते पकड़ा गया था, वह जेल गया। उन्होंने कहा कि समूचा बॉलीवुड ब्रास की चपेट में है, एक्ट्रेस का तो बुरा हाल है। उन्होंने आर्यवीर दल के युवाओं से कहा कि वह देश में जहां भी रहे नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाएं। सम्मेलन में नगर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासभा राजेश रस्तोगी, SC/ST आयोग सदस्य साध्वी गीता प्रधान, पिछड़ा वर्ग आयोग गिरीश वर्मा, कमल गुलाटी आदि भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मंजूर न करना, नजरे झुका के शर्म से अपमान से जीना, अपमान जनक जिंदगी से मौत भली है, आ मौत भली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो भली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो भली है। धन्यवाद। वाशी दयानंद सरस्वती की, वाशी दयानंद सरस्वती की, वाशी दयानंद सरस्वती की, वाशी दयानंद सरस्वती की, वाशी दयानंद सरस्वती की। बहुत धन्यवाद आप सबका। देखा था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा था।
आर्य समाज के पूज्य संतों ने, आर्य समाज के उन सभी पुरोधाओं ने देखा था, वही सपना आज साकार हो रहा है जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है। तब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या जाकर के मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी इस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे। केदारपुरी का पुनरुद्धार का कार्यक्रम होता है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का संकनाद वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने का अभियान है।